नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी सरपंच के बारे में जो MBA है और सबसे कम उम्र में सरपंच बन गई। आमतौर पर गांव के युवा शहर जाकर अच्छी नौकरी ढूंढकर वहीं पर सेटल होने के सपने देखा करते हैं। उन्हें लगता है कि गांव में उनका भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उनके गांव को उनकी जरूरत है। गांव इसी वजह से पिछड़े हुए हैं और सुविधाओं से वंचित रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर युवा उनकी जिम्मेदारी नहीं समझते और अपनी गांव की मिट्टी के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन इसके विपरीत राजस्थान की एक बेटी छवि राजावत ने देश के पढ़े लिखे युवाओं के सामने अपने सराहनीय कार्यों से एक अनूठा और जरूरी उदाहरण पेश किया है। राजस्थान में जयपुर से 60 किलोमीटर दूर गांव सोडा है, जहां जन्मी छवि राजावत भी एक आम भारतीय नारी की तरह ही है। लेकिन शायद कभी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि जब उनकी एक आम नारी की प्रखर छवि पूरे देश में स्थापित हो जाएगी। छवि राजावत देश की सबसे कम उम्र की और एकमात्र MBA सरपंच है। इसके अलावा वो नवंबर 2013 में स्थापित हुए भारतीय महिला बैंक की डायरेक्टर भी हैं। चलिए जानते हैं ऐसे उन्होंने कौन से कार्य किए हैं जो छवि राजावत सुर्खियों में आ गई। राजस्थान के जयपुर में जन्मी छवि राजावत मूल रूप से राजस्थान के टोंक जिले के सोडा नामक एक छोटे से गांव से है। आज वे अपने कार्यों से युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है, क्योंकि उन्होंने अपने IT सेक्टर की एक शानदार जॉब छोड़ दी। शहर के चकाचौंध भरे जीवन को छोड़कर वो वापस गांव की मिट्टी से जुड़ने का निश्चय कर चुकी थी। फिर वे अपने गांव सोडा आकर वहां की सरपंच बनी। अब अपने गांव की हर आवश्यकता और सुविधा के लिए वो काम कर रही हैं। छवि की शुरुआती शिक्षा आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल और मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल अजमेर से पूरी हुई। फिर उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन के बाद छवि ने पुणे के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट द्वारा MBA की पढ़ाई पूरी करके डिग्री प्राप्त करी। छवि राजावत ने पुणे से MBA की पढ़ाई करी। फिर शहर में रहते हुए उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, कार्लसन ग्रुप ऑफ होटल्स और भारतीय एयरटेल इत्यादि में जॉब करी। लेकिन जॉब से उन्हें मन की संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वे अपने गांव और देश के लिए कुछ करना चाहती थी। छवि ने फैसला किया कि वे जमीनी स्तर पर काम करके गांव और देश में परिवर्तन लाएंगी। इसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और जयपुर से 60 किलोमीटर दूर अपने गांव सोडा वापस आ गई। 4 फरवरी वर्ष 2011 को छवि ने अपने प्रतिद्वंदी को 1200 मतों से हरा कर चुनाव में जीत हासिल करी। छवि ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि मैं गांव की सेवा करने के उद्देश्य से आई हूं। सोडा गांव के सरपंच बनने के बाद उन्होंने ऐसा किया भी। उन्होंने गांव के लिए बहुत सारे बड़े बड़े काम किए और बहुत सी समस्याओं को निपटाया। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हर घर में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाई, कंक्रीट की सड़कें बनवाई और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने जैसे कई आवश्यक कार्य गांव में किए। छवि के सरपंच बनने से पूर्व उनके गांव सोडा की दशा काफी खराब थी। ये गांव राजस्थान की राजधानी जयपुर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर होने के बाद भी यहाँ मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, यहाँ बिजली हमेशा गुल ही रहती थी। इस गांव में शिक्षा का स्तर बहुत कम, यानी कि 50% से भी कम था। इसके अलावा यहाँ पर अकाल आने का डर भी रहता था। छवि ने अपने गांव का स्तर ऊंचा उठाने का बीड़ा उठाया और गांव के लिए बहुत से काम किए। उन्होंने बाल मजदूरी के विरुद्ध काम किए। छवि का सपना था कि साल 2020 तक उनके गांव में सभी बच्चों को शिक्षा मिले और शिक्षा का स्तर बढ़कर 100% तक हो जाए। वे गांव का सर्वांगीण विकास करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने सोडा गांव में दहेज और शराब बैन करवा दिए। छवि और उनकी टीम ने मिलकर गांव के गवर्नमेंट स्कूल्स, अस्पतालों की हालत सुधारने के लिए बहुत काम किए। उन्हीं के अथक प्रयासों का नतीजा है कि उनका सोडा गांव आज वैश्विक पटल पर पहचान रखता है। संयुक्त राष्ट्र में इन्फो पावर्टी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें छवि ने अपने मन की बात काफी कॉन्फिडेंस के साथ बताई सबको और कहा कि यदि भारत निरंतर इतनी धीमी गति से प्रगति करता रहा जैसा कि स्वतंत्रता के 65 वर्षों बाद से करता आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। इस तरह से हम कैसे सफल हो पाएंगे? आज भी इस देश में पानी, बिजली, शौचालय, स्कूल और नौकरियां कई लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। मेरा मानना है कि हमें ये कार्य बहुत अलग प्रकार से और ज्यादा तेजी से करना चाहिए। पिछले साल ही छवि ने गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने गांव में बहुत से नए परिवर्तन किए, जबकि उन्होंने कोई बाहरी मदद नहीं ली थी। अपने गांव के लोगों के साथ घंटों बैठकर छवि समय बिताती है। वे किसान के बच्चों के साथ खेलते कूदते बड़ी हुई है, इसलिए अपने गांव के लोगों से विशेष जुड़ाव रखती है। वे गांव वासियों की समस्या को जानने के लिए उनके साथ रोजाना घंटों बैठती है। छवि बताती है कि मेरे दादाजी ब्रिगेडियर रघुबीर सिंह जी भी निरंतर 3 साल सोडा गांव के सरपंच नियुक्त हुए थे और उनकी भी यही इच्छा थी कि मैं उनके पदचिन्हों पर चलूं।
छवि राजावत के बारे में ये खबर आपको कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए खबर चौराहा का ये यूट्यूब चैनल। इसे सब्सक्राइब जरूर करें।